for latest updates. Please subscribe, press the bell icon, like the video, and comment. To everyone, आइए आज आप हम लोग देखते हैं कि paytm में जो न्यू ऑफ़र आया हुआ है, 21 rupees बैक मिलेंगे आपको 1 minute में। उसके लिए हम लोगों को फर्स्ट paytm ओपन करना होगा। बहुत ही बेस्ट ऑफ़र है, 21 rupees इंस्टेंटली मिल जाएंगे वॉलेट में अगर KYC है तो, वरना गोल्ड में मिलेंगे आपको, लेकिन मिलेगा ज़रूर कैशबैक। करना कुछ नहीं है, बहुत ही बहुत सिंपल दो ही स्टेप करना है बस। और जिन लोगों ने गोल्ड परचेस अब तक नहीं किया है उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोग किसी अपने फ्रेंड का फ़ोन नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कैशबैक का जो ऊपर दिखा रहा है लोगों, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक फेस ये आएगा जहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि ऑफ़र आप लोगों के लिए अप्लीकेबल है या नहीं। जस्ट स्क्रॉल डाउन करके नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं टू पे 21 ऑफ़र बोल के लिखा है गोल्ड। हाँ, ये 2 पे 21 जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि आप लोगों के इसमें बता रहा है या नहीं। अगर बता रहा है तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट आप लोगों को इसको अनलॉक करना है, मतलब 21 rupees दे के 20 परचेस करना है गोल्ड। उसके बाद में फिर नेक्स्ट 21 rupees दे के परचेस करना है तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को 21 rupees कैशबैक आ जाएगा वॉलेट में। अगर इसको प्रोसीड करने के बाद में अगर आप लोगों को 21 कैशबैक नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप लोग KYC नहीं किए हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, गोल्ड में मिल जाएगा वही कैशबैक आपको गोल्ड बैक में मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया है और मैं वही ऑफ़र बताता हूँ जो ट्राई करता हूँ। फर्स्ट आप लोगों को सिंपली वैसे ही प्रोसेस करना है बाय का। गोल्ड पे बाय करने के बाद में यहाँ पे बिल्डिंग एड्रेस वगैरह देना है आप लोगों को, जो मर्ज़ी दे दीजिए, ये एड्रेस कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता। पिन कोड जो भी लगा दीजिए, क्योंकि जस्ट हम लोगों को परचेस करने के बाद में सेल करना है और डिलीवरी होने के लिए ये एड्रेस भी इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हम लोगों को कुछ भी नंबर दे के यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं और उसके बाद में अपडेट करते हैं इसको। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो भी इजीली हो जाएगा वो आप लोगों को पता है गोल्ड कैसे परचेस करना है और सेव करना है। लेकिन ये ऑफ़र बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो जल्द से जल्द आप लोग अपना फ़ायदा ले लीजिए। 21 rupees ही करना है और उसके बाद प्रोसीड करना है और कुछ नहीं करना है आप लोगों को। और एक इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, गोल्डन आवर्स बोल के एक प्रोमो कोड आया हुआ है, आप लोग उसको लगाएंगे तो भी डबल फ़ायदा होगा। फिर बता देता हूँ आपको, भी अगर नहीं लगाएं तो भी चलेगा, आप लोगों को मिलना ही है 21 rupees कैशबैक, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए फर्स्ट हम लोग गोल्डन आवर्स का भी अप्लाई कर लेते हैं और ये भी कर लेते हैं। दोनों देख सकते हैं यहाँ पे 21 rupees टोटल अमाउंट, इस अमाउंट को ही हम लोग अभी फिल करेंगे और प्रोसीड टू पे भी करेंगे। उसके बाद में आप लोगों को पता है कि आप लोग चाहे तो बैंक से कर सकते हो या फिर UPI से करो, UPI से करो, आपकी मर्ज़ी है। पेमेंट करने का मेथड तो आप लोगों को पता ही है, वैसे करने से आप लोगों को डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा। अभी मैं पेमेंट के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ। पेमेंट होने के बाद में यहाँ पर नीचे एक इंटरफेस देख रहे हैं, सक्सेस बोलिए 21 rupees, यू हैव 1 item इन ऑर्डर 21 rupees, ये जो दिख रहा है तो सक्सेस हो गया है हमारा पेमेंट। अभी नेक्स्ट बैक लेना है। उसके बाद में थोड़ा नेटवर्क स्लो है मेरा, तो बैक लेने के बाद में फिर हम लोगों के सामने ऐसा इंटरफेरेंस आ जाएगा 21। और एक बार बैक लेता हूँ, अब ये फिर से देखिए आप यहाँ पे कैशबैक, ऊपर जहाँ पे कैशबैक लिखा है फिर से वहीं पे जाना है और नीचे देखिए पार्टिसिपेंट, वहाँ पे क्लिक करना है इधर और इसको और एक बार क्लिक करना पार्टिसिपेंट टू गेट 21, इस पर क्लिक करना है एक बार तो हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने एक बार लिया है और एक बार लेना है। बोल के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हो उसको या फिर स्किप करिए, जस्ट पार्टिसिपेंट टू पे करना है। और यहाँ पे देखिए सेकंड, फर्स्ट टाइम हम लोगों का क्लिक हो गया है 21 rupees, अभी सेकंड बचा हुआ है। सेकंड गोल्ड परचेस पे हम लोगों को फास्ट बहुत ही जल्द से जल्द मिल जाएगा 21 rupees गोल्ड के इसमें मिलेगा। अगर नॉन KYC हैं तो वॉलेट के फेस वॉलेट के रूप में मिलेगा।
अभी देखिए 20 rupees ही बता रहा है, ये 20 rupees का गोल्ड परचेस हुआ है और GST का 1 rupees कट होता है। अब और 20 rupees के लिए फिर से सेम प्रोसीजर प्रोसीड करना है, वही सब कुछ चेंजेस नहीं करना है, जो एज इट इज़। यहाँ पे हैव अ प्रोमो कोड नीचे लिखा है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके दे भी सकते हैं प्रोमो कोड अगर कोई है तो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम पेमेंट करने के बाद मैं फिर नेक्स्ट आपको वही सेम पूछेगा, और उसके बाद यहाँ पे नीचे कैशबैक दिखे, इमीडिएटली आ गया कैशबैक, जैसे ही पेमेंट हो गया वहाँ पे कैशबैक आ गया 21 rupees का। ये कैशबैक हमारे वॉलेट में है और यहाँ पे अभी तक नहीं बता रहा, लेकिन अपडेट करना होगा थोड़ा, अगर नहीं बता रहा है तो 40 rupees आना है, क्योंकि 21 + 21 = 42, तो उसके दो रुपीज़ GST के लिए कट हुए, तो 40 rupees आना है वहाँ पे। गोल्ड बैग में 40 rupees और वॉलेट में 21 rupees देखिए आ गया अभी यहाँ पे अपडेट करने के बाद में। गोल्ड हम लोग गोल्ड बैलेंस देखेंगे तो पता चलेगा 40 rupees 64 paise का है, 0.64। अब इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, ट्रांसफ़र करने से पहले एक बात ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे सेल इन ग्राम को क्लिक करना है, सेल इन ग्राम बोल के, वहाँ पे सेल इन रुपीज़ होता है, सेल इन ग्राम को क्लिक करके ऊपर जितना भी ग्राम लिखा हुआ है ये ग्राम को हम लोगों को एज इट इज़ यहाँ पे टाइप करना है। इससे क्या होता है, पूरा का पूरा पैसा जो क्या बोलते हैं पॉइंट के इसमें भी आता है पैसा, 0.62 0.63, वो भी पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप रुपीज़ में करते हैं तो जो पॉइंट के नंबर्स हैं वो नहीं ट्रांसफ़र होते। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो and comment.